सरकार आपके भरोसे से बनी है, आपके आशीर्वाद से बनी है, तो आपने जो करना समाज की मदद से वो सब कर दिया। अब सरकार की मदद से भी आप ये पुण्य कार्य जरूर कराइए। अक्षय तृतीया आएगी अगली बार, देव उत्थान एकादशी आएगी, ये बिना मुहूर्त की शादियां हैं। आप निश्चित रूप से सारे लोगों के आवेदन बुलाइए, पूरा पैसा सरकार देगी बागेश्वर धाम में। बोलना तो दिल खोल के सभी बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हम जहां खड़े होके बात कर रहे हैं, ये बागेश्वर धाम और हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी का तो इतिहास ही है। 17 लाख साल हो गए भगवान राम के साथ हनुमान जी वाले प्रसंग को जोड़ करके, लेकिन 17 साल पहले भी भगवान हनुमान जी ने राम जी और सीता माता को मिलाने का प्रयास प्रारंभ किया था। वो का वो ही आज भी जारी रहे, यही तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये घर घर से ढूंढ करके राम सीता लाइए, सबका पाणी ग्रहण कराइए, ये इसी की कामना हम कर रहे हैं। महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कन्यादान है, और कन्यादान में भी जाने अनजाने कोई सामाजिक कष्ट है, कोई परेशानी है, किसी के घर में माता नहीं है, किसी घर में पैसा नहीं है, कोई और कारण है, ये सारे कारणों का निवारण सदैव सदैव से संतों के नेतृत्व में सरकारें ढूंढती आई है। तो मैं अपनी सरकार को पीछे क्यों रखूंगा, निश्चित रूप से आपके पीछे पीछे ये आयोजन के लिए लगातार रहूंगा। महाराज जी, एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं दो कारण से। अभी आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो के मंदिर के मामले में आपने कहा, आपकी जानकारी में होगा ये खजुराहो के देवालय, ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराते हुए 1000 साल पहले के हैं, लेकिन काल का प्रवाह बड़ा खराब था। वो इतना खराब था कि हमारे देवालय भी किसी को दिखे तो ऐसा लगता देवताओं को नजर लग जाती थी। ऐसा खराब समय आया कि देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां भंग की जा रही थी, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। काल के प्रभाव में समाज ने अलग अलग प्रकार के रास्ते ढूंढे, ये सारे के सारे मंदिर मिट्टी में दबा दिए गए थे। आज से 200 साल के आसपास एक अंग्रेज ने, मेरी जानकारी में आया कि उनने खोज करके मंदिरों का वापस समाज से परिचय कराया, लेकिन बनाए तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के उस समय के महापुरुषों ने। जोरदार अभिनंदन करो उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे। और जब मंदिर बनाए और अब समाज के सामने आ रहे हैं, और जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में डूबा हुआ है, तो पीछे खजुराहो कैसे रह सकता है, खजुराहो और आगे खड़ा दिखाई देगा। महाराज जी, आप जैसा कहोगे हमने गृह मंत्री के माध्यम से हर मंदिर में पूजा का प्रबंध करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन एक ही शर्त है महाराज जी, ये सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूं, आप भी गोपाल है, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, हम सब गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं। वो धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कृष्ण के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो अयोध्या से लेके अरब तक धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। कहां अरब है, कहां अयोध्या है, हम भी नहीं भूल रहे, दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, निश्चित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक काम किया
अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया, तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया कितने दुश्मन उनके भी पीछे पड़े, लेकिन भगवान